हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की खरीद जारी है, लेकिन किसानों को फसल की खरीद के लिए अभी भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। चरखी दादरी में बाजरे की फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है, इसकी वजह से आढ़तियों ने अभी तक ना तो उसको खरीदा है। तो वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर में आक्रोशित किसानों ने जगाधरी रोड पर जाम लगाकर रोष प्रदर्शन किया। दादरी की नई अनाज मंडी में शुरू हुई बाजरे की खरीद पर्याप्त व्यवस्थाओं के अभाव में किसानों और आढ़तियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। वजह है बाजरे की खरीद का समय पर उठान ना होना। हालात ये हैं कि कॉमन शेड और दुकानों के आगे लगे बाजरे को आवारा पशु खराब कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के चलते मंडी में बाहर रखा बाजरा खराब हो गया। हालांकि बदले मौसम के बाद बरसात से बचने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। 1 अक्टूबर से शुरू हुई बाजरे की खरीद प्रक्रिया को संबंधित विभाग अभी तक सुचारू चलाने में विफल साबित हुआ है। अगर सरकार ये कहती है कि जो इनके खरीदने वाले कहते हैं हमारे पास कोई जगह नहीं है, अगर शेड के नीचे जगह को देगा तो बाजार लगा दे, वरना सबका पड़ा है। नई जगह थी तो खरीदने की क्या जरूरत थी। दो तीन लाख कट्टे बार पड़े कई शेडों के नीचे जगह होती जाती है, वैसे ही माल लगाया जाता है और इनके पास कोई जगह नहीं है। पहले बरसात आई थी उनमें 20% बाजरा खराब हो गया जो कि आढ़तियों को चूना लग रहा है। किसानों ने अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग खरीद किए गए बाजरे का उठान जल्द करवाए ताकि आगे की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसानों को बाजरे की बिक्री में किसी तरह की दिक्कतें न आए। ये बाजरा लेके आए हैं, मंडी में जगह नहीं है, जगह नहीं है यहाँ पे मंडी में, और ये सेट टीन सेट वगैरह है सब कुछ यहाँ पे बाजरा लगा हुआ है और रखने के लिए जगह नहीं है। माल नहीं बारे हो जमींदार घर हम घर वाला क्यों रख रहा मटिए जब बारे खा जाए और किम भी माल मंगवा ना रखे उठान हो नहीं रहो गति भी बाजरा को। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का आक्रोश यमुनानगर में भी देखने को मिला। गुस्साए किसानों ने धान की खरीद ना होने के चलते जगाधरी अनाज मंडी के बाहर जाम लगाया। किसानों ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोड पर खड़ा कर गुस्सा जाहिर किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसानों की इन समस्याओं को कौन हल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।